हमारा जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो 24th है, और हमारा जो कोर्स है वो CA 610, और हमारा जो टॉपिक है वो है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ये हमारे हैंडआउट्स हैं जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइडेड हैं, और दूसरी तरफ ये मैंने PPT फाइल पे शेयर की है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा कलरफुल व्यू देते हुए थोड़ा एक अलग व्यू देगी आपको कि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो याद रहें। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये ई है एड्रेसेस फॉर द वर्चुअल इंटरनेट। अब ये क्या होता है, इसमें आपको जो सिर्फ एक लाइन याद करनी, डिफाइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट एड्रेसिंग स्कीम दैट असाइंस ईच होस्ट इन यूनिक प्रोटोकॉल एड्रेस। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये क्या होते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, क्या होते हैं। ये एक स्कीम होती है जो कि आपको एक होस्ट या फिर एक यूनिक आईडी देती है। जैसे कि एक 5-6 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को एक बंदा मैनेज करता है, जैसे एक क्लास में कोई CR कर ले, ठीक है, तो वो पूरी क्लास को मैनेज करता है और वो रूल्स बताता है उसके अकॉर्डिंगली, वो एक यूनिक बंदा होता है। इसी तरह इस स्कीम में, इस एड्रेसिंग स्कीम में एक जो यूनिक होस्ट होता है या फिर प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वो एक यूनिक आईडी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली जो एड्रेसेस हैं वर्चुअल इंटरनेट के वो काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपको ये एक चीज़ और आपके लिए अपोजिटली आ सकती है, यानी कि इस चीज़ इसमें दो चीज़ें बन सकती हैं। एक तो ये कि यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड हायर लेयर्स ऑफ प्रोटोकॉल, ये क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एड्रेसेस टू कम्युनिकेट। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कम्युनिकेशन कैसे होती है जब वो यूज़र्स एप्लीकेशन प्रोग्राम को हायर लेयर्स तक से कम्युनिकेट करते हैं, तो आपने कहना है कि ये भी एब्स्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आपके एड्रेसिंग स्कीम की तरफ। लैपटॉप की बैटरी जो है वो लो हो गई है, चलें तो बात में जल्दी जल्दी कर लेते हैं कवर। अच्छा, एड्रेसिंग स्कीम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आप बसेस पर ले लें। देखें हर बस जो है वो फिक्स रेंजेस की होती है, 62 बिट की बस 62 बिट का बन ही डाटा लेके जाएगी एक जगह से जगह, और 64 से 64 का। इसी तरीके से एड्रेसिंग स्कीम्स में होता है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि एड्रेसिंग स्कीम में एक यूनिक 32 बिट बाइनरी नंबर होता है जो कि साइन किया जाता है उस यूनिक पोस्ट को या उस यूनिक आईडी को, जिसके जरिए वो कम्युनिकेशन करता है। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। अब सेंडर से रिसीवर तक डाटा को भेजने के लिए हमारे पास जो है एक सोर्स होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंगली हम डाटा जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो हम बस का या अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए एक सोर्स होता है। इसी तरह एड्रेसिंग स्कीम में हमारे पास सोर्सेज की ज़रूरत होती है। अब ये जो एड्रेसिंग हायरार्की है, अब मैं आपको पहले PPT में इसकी एड्रेसिंग चीज़ें दिखाती थी। ये देखें, ये एड्रेसिंग नेटवर्क्स हैं और ये इनकी रेंजेस हैं। अब जिस रेंज के अकॉर्डिंगली आपने डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करवाना है या दूसरी जगह भेजना है, उस रेंज का आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सर्वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके आपके पास आती है जी हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं उनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप टॉप लेवल पे कैटेगराइज कर लें, और जो बच गई होती हैं चीज़ें उनको आप सब कैटेगराइज कर लें। अब ये जो IP एड्रेसिंग हायरार्की होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई होती है। एक होती है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, ठीक है जी। जो प्रीफिक्स होता है उसमें वो एक फिजिकल नेटवर्क होता है जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल लैपटॉप यूज़ करें उसके साथ हमें ईवो अटैच किया हुआ है या कोई हैंडफ्री अटैच किया, वो आपका एक फिजिकल नेटवर्क होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। और जो सफिक्स होता है वो एक इंडिविजुअल नेटवर्क की बात कर रहा होता है, एक इंडिविजुअल कंप्यूटर की बात कर रहा होता है। तो ये हो गया इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस। अब आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि नेटवर्क नंबर क्या होता है। नेटवर्क नंबर आपने याद रखना है कि ये असाइन करता है एक यूनिक वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो कोई ईवो अटैच किया अपने लैपटॉप के अंदर कि आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी जो है वो नेटवर्क जो है कनेक्ट हो गया, तो वो जो नोटिफिकेशन आपको आता है वो आपका एक यूनिक वैल्यू होती है, तो हम उसको कहते हैं नेटवर्क नंबर। ये मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये याद रखना है जो सफिक्स होता है वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज, सफिक्स की जो वैल्यू एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं दूसरी तरफ दिखाती हूँ इसकी PPTs, ठीक है। देखें हायरार्की क्या होती है, इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स विद द ब्रॉडेस्ट और हाईएस्ट कैटेगरी एट द टॉप एंड द थिंग्स रैंक इनटू सब कैटेगरी, यानी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनको आप हाईएस्ट कैटेगरी में रख लें और जो बस ब्ला 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 वाली चीज़ें होती हैं उनको सब कैटेगराइज कर लें, ठीक है, यानी कि जो जो इतनी मीनिंग नहीं रखती।
तो अभी हायरार्की एड्रेस में देख रहे हैं, टेलीफोन नंबर जो है वो यही ज़्यादा बड़ा है, उसको आप इसके टॉप पे लेवल पे कैटेगराइज कर लेंगे, ठीक है। यूएस पोस्टल कोड देख लें, आईपी एड्रेस, इस तरह हम इनको कैटेगराइज करते हैं। दूसरी तरफ आईपी एड्रेसेस की हायरार्की के पॉइंट्स अगर आपसे कह लिए जाएँ, या आपसे कहा जाए कि इनकी कुछ गारंटीज बताएं, या आपसे कहा जाए कि इनकी कुछ पॉइंट्स लिखें, तो आप कहेंगे आईपी एड्रेसेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स की ये होती है, और इसमें दो दो चीज़ों में डिवाइड की होती है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। ये दोनों मैंने आपको बता दिए क्या क्या होते हैं। अब प्रीफिक्स का जो एक और नाम है वो है नेट आईडी, और सफिक्स का जो एक और नाम है वो है होस्ट आईडी, ठीक है। दोनों आपने अपोजिट नेम्स भी याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपके आपको इनके बारे में पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर रहा है, नेट आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं नोट्स पे। बैटरी लो है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, ताकि कम वक्त में आपको ज़्यादा समझा सकूँ। अब ये चीज़ें भी वही चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखें, उन्होंने कहा है कि जो नेटवर्क नंबर होता है, ये वाला जो हमने पढ़ा था नेटवर्क नंबर, ये वाला, ठीक है, ये जो नेटवर्क नंबर होता है, ये असाइनमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेट ग्लोबली, ये जो है कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबली, जबकि जो सफिक्स होता है वो लोकली तौर पर असाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ आईपी एड्रेसेस क्लासेस हैं, उन क्लासेस को उनकी रेंज के अकॉर्डिंगली हम यूज करें। देखें, द आईपी ओरिजिनल एड्रेस स्कीम डिवाइड्स होस्ट एड्रेसेस इनटू थ्री प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। कितनी प्राइमरी क्लासेस में डिवाइड किया गया है? थ्री प्राइमरी क्लासेस में, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपको इसकी पीपीटीज में इसकी समझाती हूँ कि क्या है। ये है जी पीपीटीज में, ये प्रीफिक्स लिए हुए, ये सफिक्स लिए हुए, ये इनके टाइप्स लिए हुए, और ये इनका पर्पस। अभी आपको मस्ट 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का जो है पेपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। आपने ये प्रीफिक्स याद रखने हैं, सफिक्स याद रखने हैं। वो ऐसा करता है कभी कभार कि वो ये सारी चीज़ें दे देता है और कह देता है कि इनको रीअरेंज करें, यानी कि आगे पीछे करके आपको चीज़ें मिल देगा। जब आपको पर्पस पता होगा हर प्रीफिक्स का, हर सफिक्स का, आप ऑब्वियसली उसको रीअरेंज भी कर लेगी, या फिर वो ये वाली चीज़ें दे देगा और पर्पस की जगह खाली छोड़ देगा, और आपको कहेगा कि इनके पर्पस लिखें। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स अगर 127 है तो वो सफिक्स किसी भी नेटवर्क का हो सकता है, उसकी टाइप ऑफ एड्रेस लूप बैक होगी, और उसका पर्पस जो है वो टेस्टिंग होगा, यानी कि टेस्ट करना सबको। इस तरह हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस स्कीम को। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह मैं आपके लिए हेल्पिंग मटेरियल लेकर आती हूँ, थोड़े से टाइम में आप अपना पूरा लेक्चर समझ लेते हैं। इस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जो है वो, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ और बुक्स को जो है वो प्रिपेयर करके आपके लेक्चर जो है वो तैयार कर सकूँ। और मुझे मेंशन करें कि आपको किस किस बुक्स के जो है वो लेक्चर्स चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।